अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। मानसून सत्र में सीएम ने संविदा कर्मचारियों के लिए कई बड़ी घोषणाएं की। महंगाई भत्ते के साथ वेतनमान में भी बढ़ोतरी की गई। वहीं सालों से अपनी मांगों पर नाराज चल रहे दूसरे वर्गों को भी सीएम ने घोषणाओं से साधने की कोशिश की। 2023 में सत्ता पाने के लिए सीएम का इसे बड़ा दांव माना जा रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने इन घोषणाओं को चुनाव जीतने के लिए किया गया स्टंट बताया। कर्मचारियों के वेतनमान में बढ़ोतरी और भत्तों में वृद्धि को बीजेपी ने घोषणा पत्र के वादों से बचने की तरकीब बताई। सीएम की घोषणाओं को लेकर नेताओं में बयानबाजी जारी है। आइए सुनते हैं किसने क्या कहा। सरकार ने जो घोषणा पत्र जारी किया और जारी करने के बाद में जो सरकार आई और सरकार आने के बाद में उनके नियमितीकरण की जो बात थी, रेगुलर करने की जो बात थी, इसको लेकर के एक महत्वपूर्ण स्थगन हम लोगों ने आज उठाया था और चाह रहे थे कि उसमें पूरी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि प्रदेश के 5 लाख अधिकारी कर्मचारियों के जीवन का और भविष्य का सवाल है। बहुत सारी चीजें उसमें जो दिए गए हैं, लेकिन इस सरकार के द्वारा जो हमारे दैनिक वेतन भोगी और मैंने कहा नियमित कर्मचारी लगभग 85,000 से ऊपर ऐसे लोगों को जो होनी चाहिए, स्थगन पे चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम लोग चाहते थे स्थगन पे चर्चा हो। ये महत्वपूर्ण इशू पर हमने शासन का ध्यान आकर्षित किया है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने कर्मचारियों के हितों में बहुत सारे घोषणाएं की थी और भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे यहाँ टीका टिप्पणी कर रहे थे। पिछले 15 साल में कर्मचारियों का जिस तरह से शोषण भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसी का परिणाम था कि विधानसभा चुनाव में इन लोग 15 साल में 15 सीट में सिमट गए थे। आज मुख्यमंत्री जी ने जितनी घोषणाएं की है कर्मचारियों के संबंध में, पिछले समय भी जितनी घोषणाएं की थी उनका सबका क्रियान्वयन हो गया है और हमारे कर्मचारी अधिकारियों को जितना सम्मान भाई भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में आज मिल रहा है, आज बहुत सारे कर्मचारी संगठन आके उनका स्वागत भी किए हैं। तो निश्चित रूप से हमारी सरकार जो जनता के हितों का भी ध्यान रख रही है और कर्मचारियों के हितों का भी ध्यान रख रही है। और 27% संविदा कर्मियों के लिए, 40% जो अनियमित कर्मचारी उसके लिए, तो सबके सभी वर्गों के लिए हमने इसमें किया है और लगभग इससे प्रति वर्ष 2,000 करोड़ का अतिरिक्त भार राजकोष में पड़ेगा। इतना बड़ा निर्णय है और सारे संगठन के लोग आज धन्यवाद दे गए। अब इनको तकलीफ है कि थोड़ा बहुत कर्मचारी भी साथ देते तो अब वो भी नहीं देंगे, उनकी चिंता है। उन्होंने निमंत्रण दिया कि बड़ा एक आभार सम्मेलन करना चाहते हैं, मैंने कहा इंडोर स्टेडियम में, वो तो बहुत छोटा पड़ेगा, साइंस कॉलेज ग्राउंड में करना है। उन्होंने निमंत्रण भी दे दिया मुझे। सारे कर्मचारी